मेजबिन मंगी। मैंने TCF 2011 में ज्वाइन किया था एज अ टीचर, फिर 2014 में एज अ प्रिंसिपल दुबई केयर कैंपस में काम कर रही हूँ। स्टार्टिंग में जब हमें एडमिशन करनी थी तो उस वक्त हमें जो है 120 बच्चे जो है ना एडमिशन करने थे, और हमें 2 क्लास तक जो है ना एडमिशन करनी थी। अभी हमारे पास क्लास 5 तक बच्चे आ गए, एक बैच पढ़कर भी निकली, और हमारे पास अभी 190 बच्चे हैं। पहले जब बच्चे नए नए आए थे उस स्कूल में, तो उस वक्त जो है ना हमें बहुत सारे जो है ना बच्चों पर काम करना पड़ा, क्योंकि बच्चों को मतलब कुछ भी पता नहीं था। बच्चों के स्कूल आने से ये फ़र्क आया है बच्चों में कि वो जो है ना डेली प्रेजेंट होते हैं, टाइम के पाबंद हैं, साफ़ सुथरे नहा कर आते हैं, टीचर्स को सलाम करते हैं, टीचर का कहा मानते हैं। मेरा नाम ईशा गांगरो है, मैं क्लास 4 में पढ़ती हूँ। मैं बड़ी होकर टीचर बनना चाहती हूँ और गाँव वालों को पढ़ाना चाहती हूँ। मैं अपनी छोटी बहन भाइयों की पढ़ाने में मदद करती हूँ। जब उनको टीचर होमवर्क देती है, मैं उनको समझाती हूँ और वो करते हैं और पढ़ाती हूँ उनको। मेरा अब्बू खेती बाड़ी करता है और मेरी अम्मी हाथ की कढ़ाई करती है और सिंधी टोपियों का काम करती है। मेरा नाम दिलशाद है। मेरे ईशा के अलावा 6 बच्चे हैं, 3 बच्चे TCF में पढ़ते हैं। बस जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमारे गांव को बढ़ाएंगे। हमारा ख्वाब है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे, इसको गांव को भी, इस गांव को भी बहुत आगे करें। हमारे इलाके में मज़ीद ऐसे स्कूलों की ज़रूरत है कि जहां पर जो है ना बच्चे आएं और पढ़ें, क्योंकि यहां पर प्राइवेट स्कूल्स तो बहुत हैं मगर उनकी जो है फीस बहुत ज़्यादा है। जो वालदैन का ख्वाब है कि हमारे भी बच्चे जो है ना अच्छी तालीम हासिल करें और आगे बढ़ें, तो TCF ने उनको मुफ्त जो है ना तालीम फराहम की है। मेरा नाम अब्दुल फहीम है, मैं 4 ग्रेड में पढ़ता हूँ। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट उर्दू है, क्योंकि मुझे लिखने पढ़ने में अच्छा लगता है। मेरे 4 भाइयाँ हैं और 6 बहनें। मेरा अबू खेती बाड़ी करता है और मेरी बहनें और मेरी अम्मी टोपियाँ सीती है। मैं भी चाहती हूँ तो है भी मुहागुर पढ़ना, अखर सुजाणन करना, करे संगना। जो मुझे भाज काफ़ी किताब है भी मांग पढ़ी संगना। असा तो चाहूँ तो फेम पढ़े, वो थे कुछ कम कार करे, और जो फायदो पवे कुछ भले बुरे की खबर पे से। हमारे छोटी क्लासेस में बहुत सारी दाखिलाएँ आती हैं, मगर हमारी जो क्लासेस हैं उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है जो हम उनको दाखिल करें, मजबूरन हमें उनको वापस करना पड़ता है। अगर हमारे इलाके में एक और TCF प्राइमरी स्कूल बने तो बहुत अच्छा, कि हम उनको भी जो है ना तालीम दे सकें।